है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ द जीएस। आज निकला हूँ मैं श्री जगन्नाथपुरी धाम में, तो चलिए मेरे साथ आपको दिखाऊंगा मेरी पूरी जर्नी श्री जगन्नाथपुरी धाम तक। दोस्तों मेरा जो नेटिव प्लेस है फल्टन, वहां से हमने MSRTC के बस से 3 घंटे की जर्नी तय की पुणे तक। पुणे में हमने इस्कॉन मंदिर को विजिट दी, वहां पर दर्शन के लिए रुके और वहां पर एक बड़े महाराज जी का आशीर्वाद भी लिया। इस्कॉन टेंपल में दर्शन और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम झट से निकले पुणे स्टेशन की तरफ। कोणार्क एक्सप्रेस मुंबई से भुवनेश्वर जाने वाली एक डेली ट्रेन है, जो मुंबई से पुणे, पुणे से आगे सोलापुर करके कर्नाटका स्टेट से गुजरते हुए आंध्रा तेलंगाना करके फिर ऊपर के राज्यों को होते हुए भुवनेश्वर पहुंच जाती है। हम ट्रैवल का लुप्त उठाते हुए भगवान के नामों की चर्चा, भगवान की स्तुति करते हुए, जपा करते हुए आगे बढ़ते चले गए। भक्तों के संग में यात्रा करने का मजा ही कुछ और होता है। भगवान की भी कृपा भक्त संग के बिना पॉसिबल नहीं है। ट्रैवलिंग का मतलब होता है बहुत सारे सुंदर जगहों को देखना, लेकिन हमारे केस में ट्रैवलिंग का अलग ही मतलब है। हम स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग करते हैं। जो भी स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, जहाँ पर भगवान का ठिकाना है, वहाँ पर जाके हम दर्शन करेंगे, वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे, वहाँ की लीला स्थलियाँ देखेंगे, यह है हमारा डेली का शेड्यूल। ट्रैवलिंग में बहुत सारे भक्तों ने अपने घर से बनाए हुए बहुत सारे पदार्थ लाए थे, उनका लुत्फ उठाते हुए हम पहुँच गए भुवनेश्वर स्टेशन में। रात को तकरीबन 11-12 बज गए। जैसे ही भुवनेश्वर स्टेशन को हम रात को पहुंचे, हमें पता चला कि भुवनेश्वर पुरी एक्सप्रेस 2-3 घंटे बाद है, तो हमने 2-3 घंटे स्टेशन पर ही वेट कर लिया। रात के 1:30-2 बजे भुवनेश्वर पुरी एक्सप्रेस आ गई। वहाँ पर भी श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया की कृपा से अच्छे से सीट्स मिल गए और तकरीबन 1-2 घंटे में हम पहुँच गए श्री जगन्नाथपुरी धाम। जैसे हम पुरी स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ पर हमने जगन्नाथपुरी की पावन धरती को दंडवत किया। बाद में लोकल रिक्शा पकड़ के हम सीधा होटल के सर्च में निकल पड़े। भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से हमें गौड़िया वैष्णव मठ में जगह मिल गई। जगन्नाथपुरी का ये ट्रैवल ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए मेरे यानी द जीएस के साथ
जगन्नाथपुरी की अगली अपडेट पाने के लिए, कैसे हम जगन्नाथपुरी में घूमे, कैसे हमने भगवान के दर्शन किए और कौन कौन सी लीला स्थलिया भगवान की हमने देखी, आपको ये सब देखने मिलेगा अगले वीडियो सीरीज में। अभी मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय जगन्नाथ।